हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मुंबई का नाइट लाइफ। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि मुंबई नेवर स्लीप्स, सो इट इज ट्रू। सो अगर सोती नहीं है तो ऑब्वियसली खाती भी होगी रात को। रात के खाने एक्सप्लोर करना मैंने एज अ सीरीज प्लान किया है। सो आज के वीडियो में हम लोग साउथ मुंबई एक्सप्लोर करेंगे। तो साउथ मुंबई का फर्स्ट प्लेस जो होने वाला है वो एक आइकॉनिक प्लेस है। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, बिकॉज ये ऐसा प्लेस है जो हर मुंबईकर को पता होता है। और मैं भी काफी टाइम से सोच रही हूँ कि यहाँ पे जाना है, बट देन कभी मौका नहीं मिला। एंड इस प्लेस पे मैं हमेशा रात को ही जाना चाहती थी और फाइनली आज वो दिन आ गया है। सो अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो कॉमेंट में जल्दी से बताइए कि फर्स्ट प्लेस कौन सा होने वाला है और हम चलते हैं फर्स्ट प्लेस पे। अभी बज रहे हैं रात के अर्ली मॉर्निंग 12:05 और लुक एट द व्यू गाइस। मुंबई सो ब्यूटीफुल इन द नाइट, दिन में भी काफी ब्यूटीफुल लगता है, जस्ट लव मुंबई। और रात को तो इसकी ब्यूटी मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है एकदम। सो आई एम टोटली एंजॉइंग द ड्राइव। और आप लोगों ने अगर कभी भी मुंबई में नाइट में ड्राइव नहीं किया है इस तरीके से, आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और जहाँ जहाँ खाना है वो सब मैं आपको बताती रहूंगी। सो हम लोग ऑलमोस्ट रीच होने वाले हैं, अभी इधर ही कहीं होना चाहिए। आई थिंक यू नीड टू टेक दैट लेफ्ट। सो हियर वी आर एट बड़े मियाँ। ये मुंबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड स्टॉल है, जिसे 1946 में मोहम्मद यासीन जी ने बनाया था। इनिशियल डेज में यहाँ पे बस नॉनवेज मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने सेपरेटली एक वेज फूड काउंटर भी बना दिया है। सो वेजिटेरियंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आप यहाँ देख रहे हो, मिडनाइट को यहाँ का खाना एंजॉय करने आए हैं। हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे ओनली कैश एक्सेप्टेड है। तो अभी हम लोग एटीएम में आए हैं, बगल में ही था एक्चुअली, थोड़ा सा वॉक करना पड़ा था बस। बट देन इट्स क्वाइट इरिटेटिंग कि आज भी लोग मतलब जी पे तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली कैश इज एक्सेप्टेड। सो दैट वाज लाइक अ पुट डाउन। सो अभी हम लोग पैसा विदड्रॉ करके वापस जा रहे हैं बड़े मियाँ। सो बिकॉज आजकल हम लोग बिल्कुल कैश कैरी नहीं करते हैं, लाइक हर जगह इवन छोटे छोटे शॉप्स में तक जी पे एक्सेप्ट करते हैं लोग। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी, बट एनीवेज लेट्स गो नाउ। तो ये हम लोग बड़े मियाँ के लेन में आ गए हैं और दोनों साइड आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी कार्स पार्क है। सो सब लोग यहाँ पे ऑर्डर करके अपना ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भी जाके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमने ऑर्डर प्लेस किया और विद इन नो टाइम ऑर्डर रेडी हो गया था। सो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको ऑर्डर के लिए, विच इज़ गुड। सो प्लान तो ये था कि उनके रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क करके गाड़ी के बाहर बैठ के खाएं, खड़े होकर खाएं, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। सो हम लोगों को पार्किंग भी पास में नहीं मिल पाई, तो थोड़ा सा बहुत दूर भी नहीं है बट थोड़ा सा दूर हमने पार्क किया गाड़ी को। तो हमने हमारा खाना इस तरीके से पार्सल करा लिया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो वन पैकेट इज वेज फॉर सौरभ और द अदर वन इज नॉन वेज फॉर मी। सो मैं आपको दोनों दिखा रही थी। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ चिकन सीख कबाब। तो आपको एक क्लोजअप भी दिखा देती हूँ मैं। सो ये रहा हमारा चिकन सीख कबाब, इसमें तीन सीख कबाब्स है। तो ट्राई करते हैं। पहले तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, लुक एट द टेक्स्चर, इट्स वेरी सॉफ्ट, इस तरीके से है। इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन चटनी इन्होंने दिया हुआ है, तो इस थोड़ा सा ग्रीन चटनी में मैंने इसको डिप कर दिया है। सो लेट्स ट्राई। चिकन कबाब काफी सॉफ्ट है, इसकी टेक्सचर काफी सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर है। सो काफी अच्छा लग रहा है और ग्रीन चटनी के बिना भी एक्चुअली काफी फ्लेवरफुल लग रहा है, और चटनी के साथ तो मजे ही है। मैं नोटिस किया कि यहाँ पे काफी सारे लोग रोल्स भी ट्राई कर रहे हैं। सो अगर आपको सीख कबाब चाहिए तो सीख कबाब आप रोल के साथ भी ट्राई कर सकते हो, या फिर चिकन टिक्का आप ट्राई कर सकते हो विद द रोल। तो हमने अलग से ही मंगाया है बिकॉज मुझे रोल खाने का भी मन नहीं था। नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ वेज सीख कबाब, जो सौरभ ने अपने लिए मंगाया है। सो ये रहा वेज सीख कबाब, इसमें एक्चुअली काफी सारे पीसेस है, 1 2 3 4
आई थिंक 4 to 5 पीसेस है, सो 4 पीसेस है, तो लेट्स ट्राई. ये भी एक्सट्रीमली सॉफ्ट है और काफी फ्लेवरफुल लग रहा है. इसमें जो भी फ्लेवर्स यूज किए हैं काफी फ्रेश है. इट्स गुड, लेकिन ऑफ कोर्स चिकन सीख कबाब की बात ही कुछ और होती है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली आप चिकन सीख कबाब या मटन सीख कबाब ट्राई करिए, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो. इसकी टेस्ट काफी अच्छी है. नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं चिकन भुना और उसके साथ हमने ऑर्डर किया है रुमाली रोटी. तो चलिए ट्राई करते हैं. वैसे हम लोग ने जो कुछ भी आज ट्राई किया है सारे डिशेस का प्राइसेस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा. तो ये रहा चिकन भुना और रुमाली रोटी. ग्रेवी काफी थिक ग्रेवी है और काफी अच्छा फ्लेवरफुल लग रहा है. और इसको मतलब जो मसाले को अच्छे से भून लो ना वो डेफिनेटली आपको फील होगा इसमें. और काफ़ी यम ग्रेवी लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है. और चिकन के पीसेस काफ़ी सॉफ्ट है, टच करने में ब्रेक हो जा रहा है, बहुत फ्रेश और सो गुड. इसके मसाले को इतने अच्छे से रोस्ट किया है ना कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका. तो जो लास्ट आइटम हम यहाँ से ट्राई करने वाले हैं वो है वेज बिरयानी. तो वेज बिरयानी इनका 290 रुपीस का है. सो मुझे लगता है कि प्राइसेस हर डिश की इनकी थोड़ी ज्यादा है, मतलब क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड है तो वी एक्सपेक्ट कि प्राइसेस थोड़े कम हो. सो स्ट्रीट फूड के हिसाब से तो यहाँ की प्राइसेस काफी ज्यादा है. टेस्ट भले ही अच्छा हो बट आई थिंक प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हाई है, मे बी बिकॉज इट्स एन आइकॉनिक प्लेस, सो ये रीजन हो सकता है. बट देन यस, थोड़ा मसालेदार बिरयानी है. और इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द टेस्ट, मुझे थोड़ा बहुत जो मैगी का मैजिक मसाला होता है ना वैसे वाला टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा. आई डोंट नो वेदर इसमें डाला है कि नहीं, बट देन थोड़ा सा मुझे उस टाइप का टेस्ट, अगर आपको समझ आ रहा हो तो उस टाइप का टेस्ट मुझे फील हो रहा है. ओके शेफ, इफ आई टू सजेस्ट यू तो मुझे शायद इनकी नॉन वेज डिशेज ज्यादा पसंद आए. वेज में इनका सीख कबाब काफी अच्छा था, बट बिरयानी में भी आप अवॉइड कर सकते हो. मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया वेज बिरयानी. वेज सीख कबाब, चिकन भुना विथ रुमाली रोटी एंड चिकन सीख कबाब एक्सीलेंट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई. तो बड़े मियां से हम लोगों ने काफी कुछ अच्छा अच्छा खाया एंड अभी हम लोग हमारी सेकेंड लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि मोस्टली हमारा लास्ट लोकेशन होगा बिकॉज रात के टाइम पे बहुत ज्यादा खाना पॉसिबल नहीं है. सो आपको ये सीरीज बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा. सो आज हम लोग ने साउथ मुंबई के दो पॉपुलर प्लेसेस प्लान किए थे. सो बड़े मियां इज द वन एंड सेकेंड प्लेस आप लोग तब तक गेस करिए और कमेंट में बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग. सो हमारा सेकेंड लोकेशन होने वाला था बैचलर्स, जो एग्जैक्ट लोकेशन चौपाटी, राइट, ये रोड को क्या बोलते हैं, हाँ चौपाटी रोड में है. बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. मैंने सुना है कि ये दिन के 3 बजे तक ओपन रहता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेकिन ये अभी बंद हो चुका है. काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है बट देन दे आर क्लोज्ड. सो यस, आई वोंट बी एबल टू शो यू दैट. मैंने बैचलर्स भी प्लान किया था आज की वीडियो में बट देन अनफॉर्चुनेटली वो हम कवर नहीं कर पाए. सो वी विल एंड दिस वीडियो विद बड़े मियां इटसेल्फ. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. सो आप लोग को आज का नाइट फूड जर्नी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा आप लोग का ओपिनियन जानने में. एंड ऑल्सो आप लोग प्लीज अच्छे अच्छे प्लेसेस भी सजेस्ट करिए ताकि हम अपकमिंग वीडियोस में उन प्लेसेस को कवर कर पाए. सो आपको जो भी नाइट फूड प्लेसेस और अच्छे प्लेसेस पता हो प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए. एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.